शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विषय पत्र 507 से संबंधित विषय विद्यालय एवं समुदाय में अंतःक्रिया पर बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूं। शिक्षार्थियों, आपने पिछले व्याख्यानों के माध्यम से यह सीखा है कि कोई भी गांव, कस्बा, नगर, प्रांत आदि अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय में रहने वाले लोग अपना संपूर्ण जीवन उसी के अंतर्गत जीते हैं तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसमें सदस्य के रूप में रहते हैं। एक समुदाय की अपनी कुछ खास परंपराएं होती हैं, खान पान होते हैं, रहन सहन आदि के नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित व नियंत्रित करने में योगदान देते हैं। किसी समुदाय के निर्माण के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एवं समूह भावना। तो पिछली वार्ता के कार्यक्रम में आपने इन सारी चीज़ों को सीखा। शिक्षार्थियों, आज के विषय में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया। तो आइए इसे समझते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज का प्रत्येक सदस्य अपने किसी न किसी आवश्यकता के लिए अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण समाज के सदस्य एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है। सामाजिक अंतःक्रिया को परिभाषित करते हुए ग्रीन ने लिखा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से तात्पर्य उस प्रभाव से है जो अपनी समस्याओं को हल करने के प्रयास में और लक्ष्यों की ओर बढ़ने में व्यक्ति और समूह एक दूसरे पर डालते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से पांच प्रकारों का जिक्र होता है। पांच प्रकार से सामाजिक अंतःक्रियाएं समुदाय में चलती हैं। पहला है सहयोग, कोऑपरेशन। दूसरा प्रतियोगिता। तीसरा संघर्ष। चौथा व्यवस्थापन। और पांचवा आत्मसातीकरण। दो अन्य प्रकारों का भी जिक्र होता है, वैसी सामाजिक अंतःक्रियाएं जो समाज में विघटन लाती हैं वो विघटनात्मक अंतःक्रियाएं हैं, और वो अंतःक्रियाएं जो समाज में निर्माण का कार्य करती हैं, अच्छे दिशा में ले जाती हैं, वो संयुक्तात्मक अंतःक्रियाएं हैं। अब आइए शिक्षार्थियों, एक एक करके इन विषयों पर हम बातों को समझें कि सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष आदि क्या है। सहयोग का सामान्य तात्पर्य उस अंतःक्रिया से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा का स्तर उच्च बनाए रखने के लिए एवं विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि करने के लिए अध्यापक, माता पिता और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया इसका एक उदाहरण है। सहयोग के ही माध्यम से समुदाय, विद्यालय एक दूसरे को आगे बढ़ाने में, एक दूसरे के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं और ये समाज को बेहतर बनाने से संबंधित अंतःक्रिया है। दूसरी अंतःक्रिया प्रतियोगिता है। यह तब होती है जब अवसर कम होते हैं और उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग अधिक होते हैं। अच्छे विद्यालयों में जब प्रवेश का मौका आता है तो आप देखते हैं कि समुदाय के लोगों में एक प्रतियोगिता होती है। सब लोग ये चाहते हैं कि उस विद्यालय में उनके वार्ड का, उनके बच्चे का प्रवेश हो जाए। संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण अंतःक्रिया है और यह वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। जैसे विद्यालय बच्चियों के प्रवेश के लिए रूढ़िवादी अभिभावकों के साथ संघर्ष करता है। समाज में कई ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जो अपनी बच्चियों को विद्यालय नहीं भेजते, तो उनको प्रेरित करने के जब प्रयास विफल हो जाते हैं तो संघर्ष का ही रास्ता बचता है। उन अभिभावकों के साथ समुदाय के लोग बातचीत करते हैं, विद्यालय के लोग बातचीत करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, उनके साथ संघर्ष करते हैं, तब जाकर बच्चियों का प्रवेश विद्यालय में हो पाता है। तो ये एक उदाहरण है सामाजिक अंतःक्रिया का। व्यवस्थापन अगला सामाजिक अंतःक्रिया है। ये विभिन्न संघर्षों के दौरान
बाह्य शांति स्थापित करने के लिए स्वयं को बदलने की जो क्रिया मनुष्य करता है उसे व्यवस्थापन कहा जाता है। व्यवस्थापन कई तरीकों से हो सकता है, जैसे बल के प्रयोग के द्वारा, समझौते के द्वारा, पंचों के फैसले के द्वारा या युक्तिकरण के द्वारा। संघर्ष के बाद का जो दौर है वो व्यवस्थापन का दौर है। और जो पांचवी अंतःक्रिया है आत्मसातीकरण, तो आत्मसातीकरण के द्वारा असमान व्यक्ति और समूह अपनी इच्छाओं और रुचियों को एक दूसरे में समाहित कर देते हैं और समरस बन जाते हैं, जिससे कि उनमें कोई भेद भाव और विरोधी प्रवृत्तियां नहीं रहती। जैसे यदि समुदाय और विद्यालय में संबंध इस स्तर का डेवलप हो कि समुदाय विद्यालय को अपने से बाहर का माने ही नहीं, अपना हिस्सा मानना शुरू कर दे, तो समुदाय और विद्यालय की इच्छाएं एक हो जाएंगी, रुचियां एक हो जाएंगी और वो समरस तरीके से दो एक दूसरे का विकास करेंगे। विद्यालय को यदि हम देखें शिक्षार्थियों, तो समुदाय का ही एक लघु रूप है। एक समुदाय में विविध समूह, संस्थाएं और संगठन होते हैं। विद्यालय भी समुदाय का एक हिस्सा है। विद्यालय समुदाय की सेवा के लिए समुदाय द्वारा निर्मित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित सभी विद्यार्थी समुदाय से ही आते हैं और विद्यालय में एक विशेष समुदाय का मिलकर निर्माण करते हैं। इस प्रकार विद्यालय को एक संगठित समुदाय माना जा सकता है, जिसे बच्चों के सर्वांगीण विकास और समाजीकरण का दायित्व सौंपा गया है, ताकि वे अपने समुदाय के उपयोगी और जिम्मेदार सदस्य बन सकें। अब शिक्षार्थियों, इस पे बात करते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यकता क्यों है। अब देखते हैं कि विद्यालय और समुदाय के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया से विद्यालय की शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन तो होता ही है, साथ ही साथ समुदाय का भी विकास होता है। इसीलिए विद्यालय एवं समुदाय की यह अंतःक्रिया अत्यंत आवश्यक है। इस अंतःक्रिया का लाभ सिर्फ विद्यालय को नहीं मिलता है, बल्कि समुदाय को भी मिलता है, क्योंकि अंततः विद्यालय समुदाय के लिए ही है, समुदाय के ही बेहतरी के लिए स्थापित होते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें विद्यालय की उन विविध गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए, जिनके द्वारा विद्यालय एवं समुदाय को एक दूसरे के पास लाया जा सके और दोनों में अंतःक्रिया बढ़ाई जा सके। शिक्षार्थियों, अब बात करते हैं कि विद्यालय और समुदाय के संबंधों के आधार क्या हैं। समुदाय के विकास में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय समुदाय के ही बेहतरी के लिए स्थापित होते हैं। विद्यार्थियों को सामुदायिक कार्यों में संलग्न करके उनके ज्ञान, अभिव्यक्ति, कौशल और व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का विकास किया जा सकता है। विद्यालय और समुदाय विकास हेतु प्रभावी रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए उनके बीच अंतःक्रिया आवश्यक है। गांधी जी ने भी अपनी जो बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था प्रस्तुत की, उसमें समुदाय और विद्यालय के इस अंतर संबंध की पुरजोर वकालत की। गांधी जी ने यह बताया कि समुदाय के साथ जुड़े बिना शिक्षा की बेहतर व्यवस्था संचालित ही नहीं हो सकती। शिक्षार्थियों, अब हम गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के उन तत्वों की भी बात करें, जिसके माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि कैसे समुदाय और विद्यालय के बीच अंतर संबंध को बढ़ाया जा सकता है। गांधी जी ने बुनियादी विद्यालयों में यह कहा कि वहाँ का जो शिक्षा कार्यक्रम हो वो सीधे तौर पे समुदाय से जुड़े। जैसे यदि हमें गेहूं या धान की खेती पढ़ाना हो, तो विद्यार्थियों को जहाँ वास्तविक खेती है वहाँ ले जाया जाए, समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत कराया जाए। गेहूं की खेती कब शुरू होती है, उसके लिए किस प्रकार के मृदा की ज़रूरत है, क्या वातावरण कैसे, किस कालखंड में, किस अवधि में गेहूं की खेती शुरू की जाए, गेहूं के विभिन्न प्रकार के बीज कौन कौन से हैं,
गेहूं की खेती में कौन कौन सी बारीकियां बरती जाती हैं। साथ ही साथ ये तो कृषि की बात हो गई, इससे ही संबंधित यदि गेहूं की खेती से संबंधित कोई कहानी हो, कोई कविता हो, कोई चित्रकला हो, ये सारी गतिविधियां भी चलाई जा सकती हैं। तो इस रूप में जब विद्यार्थी समुदाय के बीच जाता है और समुदाय में होने वाले गतिविधियों का लाइव एक्सपीरियंस करता है तो समुदाय और विद्यालय का रिश्ता और प्रगाढ़ होता है। बुनियादी विद्यालयों में विद्यार्थी को वास्तविक जीवन की समस्याओं का अनुभव करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। विद्यालय विद्यार्थियों को इन समस्याओं को शिक्षक और समुदाय के सहयोग से समझाने की कोशिश करते हैं। बुनियादी शिक्षा के दर्शन के अनुरूप समस्त विद्यालय समुदाय का हिस्सा बनकर विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बन सकते हैं, ताकि समाज की बेहतरी के लिए वे सक्रिय भूमिका निभा सकें। शिक्षार्थियों, विद्यालय समुदाय अंतःक्रिया से सभी को लाभ है, अभिभावकों को भी लाभ है, विद्यालय को भी लाभ है, समुदाय को भी लाभ है। आइए कुछ लाभों पे हम बातचीत करें। विद्यालय समुदाय अंतःक्रिया अभिभावकों को संगठित करने का एक सशक्त माध्यम है। अभिभावकों को संगठित करके विद्यालय के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं। अभिभावकों के माध्यम से स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं की जानकारी विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से हो पाती है, साथ ही अन्य सहयोग भी विद्यालय को प्राप्त होता है। जब समुदाय विद्यालय के साथ जुड़ता है तो समुदाय अपने संसाधनों के साथ भी जुड़ता है, और जिन जिन संसाधनों की कमी विद्यालय में होती है समुदाय यह चाहता है कि उन संसाधनों की कमी को पूरी की जाए। तो इस रूप में विद्यालय लाभान्वित होता है। अभिभावक और शिक्षक बच्चों की शिक्षा में सहभागी होंगे तो अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और आसान हो सकती है। उदाहरण के लिए, कक्षा में जो सिखाया गया है उसका अभ्यास घर में कराया जाए तो अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। तो विद्यालयों को ये चाहिए कि वो अभिभावकों के साथ जुड़ें, उन्हें प्रेरित करें कि बच्चों के विकास का काम घर पर कैसे संचालित हो, इसकी वो उसका प्रशिक्षण लें और वो अधिक से अधिक समय अपने बच्चों को भी दें, ताकि बच्चे बेहतर ढंग से अधिगम का कार्य कर सकें। इस अंतःक्रिया से अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों की संपूर्ण सूचना रहेगी और वे स्वयं को सशक्त महसूस करेंगे। समुदाय और विद्यालय के इस अंतःक्रिया से विद्यार्थियों को भी कई लाभ है। समुदाय के साथ कार्य करते हुए विद्यार्थी यह सीख पाते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग वास्तविक जीवन में कैसे करना है, नहीं तो सिर्फ कोरे विषय को पढ़कर वे सिद्धांत ही सीख पाते, व्यवहार में उसका कैसे उपयोग करना है वो नहीं सीख पाते। समुदाय के साथ जब वो जोड़ते हैं तो वे व्यवहार सीखते हैं। जैसे गेहूं धान के बारे में उन्होंने अध्ययन तो कर लिया, लेकिन गेहूं धान की खेती वास्तव में कैसे की जाती है ये जब वो खेत में जाते हैं तो सीख पाते हैं। पशुपालन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ तो लीं, लेकिन पशुपालन की क्या दिक्कतें हैं, कैसे उन दिक्कतों से उबरा जाए, ये चीज़ें तब समझ पाएंगे जब जिन्होंने पशुओं को पाला है उनके साथ वो बातचीत करें। पुलिस स्टेशन, बैंक और अन्य कार्यालयों में कैसे काम होता है इसको पढ़ के उतना बढ़िया से नहीं जान पाएंगे, ये तब जान पाएंगे जब वहाँ विजिट करें, उन लोगों से बातचीत करें। तो समुदाय जब विद्यालय के साथ जुड़ता है तो विद्यार्थियों को ये सभी लाभ मिल पाते हैं। उन्हें वास्तविक जीवन का की जानकारी होती है, वो अपने ज्ञान का उपयोग कर पाने में समर्थ होते हैं। विद्यालय के समुदाय के साथ सहयोगात्मक अंतःक्रिया के कारण विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों का भी विकास होता है। इस समुदाय के साथ जुड़ने से एक दूसरे को हेल्प करने की भावना, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना का विकास होता है। इससे दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है और जो बेसिक मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य हैं हमारे, उनका भी विकास होता है। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया विद्यार्थियों में अवलोकन और व्यवहारिक रूप से सीखने के कौशल विकसित करने में भी सहायक होते हैं।
शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल विकसित करने में प्रभावी होते हैं। जब समुदाय के बीच विद्यार्थी जाकर काम करते हैं तो अपनी बात को कैसे समुदाय के मध्य रखना है इस कला को बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया विद्यार्थियों में सहयोग और सहायता की आदत विकसित करने में भी सहायक होती है। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया विद्यार्थियों में समायोजन, सहनशीलता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विकास में सहायक होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी समूह में काम करे, विद्यार्थी समुदाय के बीच जाए, समुदाय के गठन को समझे, समुदाय में किस प्रकार से कार्य संचालित होते हैं उसको समझे, विरोधी बातों को कैसे हम सुने और सुनकर कैसे ठीक ढंग की प्रतिक्रिया दें ये सीखे। ये तभी सीख पाएगा जब वो समुदाय के बीच जाएगा। यानी लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, दूसरे एक दूसरे के काम में सहयोग प्रदान करना, इन सारे मूल्यों के विकास समुदाय में ही हो पाते हैं। विद्यार्थी सिर्फ विद्यालयों में इन सारे मूल्यों का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यालयों में सिद्धांत की पढ़ाई ज़्यादा होती है, व्यवहार के लिए उसे समुदाय के बीच ही आना होता है। अभिभावकों को भी इससे बहुत सारे लाभ हैं। जैसे विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया के फलस्वरूप विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम में माता पिता की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। माता पिता ठीक ढंग से समझ पाते हैं कि उनके विद्यार्थी का विकास कैसे हो रहा है। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया बच्चे के संदर्भ में विस्तृत बहुमुखी सूचना प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही यह बच्चे की छुपी प्रतिभा को उजागर करने में भी सहायक है। विद्यालय के इस प्रयास से अभिभावक इस कार्य में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया के कारण अभिभावकों को विद्यालय से एक जुड़ाव महसूस होता है। वो निरंतर अपने वार्ड के, अपने बच्चों के विकास को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें आ रही कमियों का जिक्र जाकर शिक्षकों से करते हैं, उन कमियों को कैसे सुधारा जाए इसके संदर्भ में राय लेते हैं। तो अभिभावकों को भी बहुत अधिक लाभ है, उनके वार्ड का ठीक ढंग से विकास तभी संभव हो पाता है जब समुदाय के सदस्यों के साथ, विद्यालय के साथ अभिभावकों का एक रिश्ता, एक संबंध डेवलप होता है। इसके कारण समुदाय को भी बहुत सारे लाभ हैं। इस अंतःक्रिया के कारण विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया समाज उन्मुख नागरिक बनाती है। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया विद्यार्थियों में सामुदायिक रीति रिवाज एवं परंपराओं का भी ज्ञान कराने में बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाती है। यह अंतःक्रिया सामुदायिक विकास को गति प्रदान करती है। भिन्न प्रकार से सक्षम विद्यार्थियों का समुदाय आधारित पुनर्वास भी संभव हो पाता है। समुदाय में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें सुनने में समस्या होती है, जिन्हें चक्षु संबंधी कोई समस्या होती है, जिन्हें चलन संबंधी कोई समस्या होती है। ऐसे विद्यार्थी यदि अभिभावकों पे ही सिर्फ छोड़ दिया जाए तो अभिभावक निराश हो जाते हैं, विद्यार्थी में भी निराशा का भाव आ जाता है। लेकिन यदि समुदाय मिलकर सहयोग करे विद्यालयों के साथ तो अभिभावकों का भी मनोबल बढ़ता है, विद्यार्थियों का भी मनोबल बढ़ता है। उन विशेष क्षमताओं की समझ विद्यार्थी स्वयं कर पाता है कि हमारे अंदर ये क्षमताएं हैं और इस ढंग से उन क्षमताओं का हम विकास कर सकते हैं। तो ये सारे लाभ समुदाय को, उस परिवार को तो होता ही है, साथ ही साथ चूंकि वह परिवार, वह विद्यार्थी अपने आप में समुदाय का हिस्सा है तो समुदाय को भी लाभ मिलता है। विद्यालय को भी इस अंतःक्रिया का बहुत सारा लाभ मिलता है। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया से समुदाय विद्यालय के लिए अतिरिक्त आर्थिक व भौतिक संसाधन जुटा पाने में सहयोगी सिद्ध होता है। बहुत सारे विद्यालय कई प्रकार के भौतिक सुविधाओं की कमी से जूझते हैं,
भवन की कमी से, या भवन कहीं भवन में टूट फूट हुई हो, फर्नीचर नहीं हो, वहाँ आवश्यक अधिगम सामग्री नहीं हो, वहाँ पुस्तकालय ना हो, तो इन सारी जो समस्याएं होती हैं, यदि समुदाय लगातार विद्यालय को सहयोग करे तो ये भौतिक संसाधन जुटाने में विद्यालय सक्षम हो पाता है। विद्यालय एवं समुदाय की अंतःक्रिया के कारण शैक्षिक प्रक्रिया में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग संभव हो पाता है। जैसे बैंक के कार्य प्रणाली बताने के लिए बैंक में विद्यार्थियों को भेज दिया जाए, सिलाई की कक्षा में किसी स्थानीय दर्जी से सहयोग मांग लिया जाए कि आप आएँ और हमारे बच्चों को ये सिखाएं कि कैसे कपड़े सिलते हैं, पुलिस स्टेशन का अनुभव लेने के लिए पुलिस विभाग के किसी व्यक्ति से बातचीत कराई जाए या बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाए, न्यायालय के कार्य को समझने के लिए बच्चों को न्यायालय ले जाया जाए कि कैसे न्यायालय का कार्य क्रियाकलाप होता है। तो ये जो अंतःक्रिया है विद्यालय और समुदाय की, यह बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है और इससे जो विद्यालय का लक्ष्य है कि बच्चों का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास, ये लक्ष्य विद्यालय का है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में विद्यालय को बहुत सारी सहूलियत होती है, वो सक्षम हो पाता है इस लक्ष्य की प्राप्ति में। अब आइए शिक्षार्थियों हम बातचीत करें कि विद्यालय समुदाय अंतःक्रिया को बढ़ाने के सरकारी प्रयास क्या क्या चलते हैं। विद्यालय समुदाय संबंधों को स्थापित करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में सरकारी नीतियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान संशोधन अधिनियम 73वें, 74वें और 86वें में इस हेतु आवश्यक प्राविधान किए गए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आदि के माध्यम से शिक्षा में समुदाय की सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण प्राविधान व व्यवस्थाएं की गई हैं। विद्यालय समुदाय अंतःक्रिया को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा का विकेंद्रीकरण भी किया गया है। शिक्षा का जो शिक्षण संस्थानों के संचालन का जो पावर है वो भिन्न भिन्न लोगों में बांटा गया है। अब ग्राम शिक्षा समिति को आप लें, विद्यालय शिक्षा समिति को लें, विद्यालय प्रबंध समिति को लें, तो विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों के संचालन का जो पावर है वो बांटा गया है। इस विकेंद्रीकरण का लाभ मिलता है, विकेंद्रीकरण के कारण विद्यालय और समुदाय के सदस्य परस्पर जुड़ पाते हैं। यदि ग्राम शिक्षा समिति का अस्तित्व ही नहीं होता, विद्यालय बिल्कुल ही एलिनिएट होकर संचालित हो रहे होते, तो इंटरेक्शन का मौका ही नहीं होता समुदाय के साथ। तो ये सरकारी योजनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो ये प्रेरित करती हैं कि विद्यालय के लोग, विद्यालय के शिक्षक समुदाय के बीच जाएं, समुदाय के लोगों के साथ संवाद स्थापित करें, ताकि एक बेहतर दिशा में शिक्षा को ले जाया जा सके। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में राज्य सरकारों ने विभिन्न ग्रामीण शिक्षा समिति स्थापित किए हैं, साथ ही विद्यालयों की कार्यप्रणाली को सुधारने में योगदान देने के लिए पंचायती राज प्रणाली को अधिकार प्रदान किए हैं एवं इस हेतु ग्राम शिक्षा समिति का प्रावधान रखा है। ग्राम शिक्षा समितियों की अतिरिक्त विद्यालय के साथ समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाने वाली अन्य कई समितियां भी अस्तित्व में हैं, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, माता पिता शिक्षक संघ PTA, ये तो बहुत ही प्रचलित व्यवस्था है। माता शिक्षक संघ, कहीं कहीं पे माताओं को, जैसे गर्ल्स एजुकेशन को बेहतर करने के लिए माता शिक्षा संघ भी स्थापित किए गए हैं। तो ये सारे सरकारी प्रयास भी कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल को बनाने में, एक बेहतर शिक्षाई माहौल को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थियों, विद्यालय समुदाय अंतःक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी समझना आवश्यक है। शिक्षक के प्रयास से स्थानीय समुदाय व प्रशासन बच्चों की अन्वेषण प्रकृति को प्रोत्साहित करें, इस कार्य में शिक्षक योजना बनाएं और विद्यार्थियों की मदद करें। जैसे यदि विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानना हो, तो शिक्षक उन्हें समुदाय में ले जाकर विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में कृषक से सीखने हेतु प्रोत्साहित करें। विद्यार्थी को बैंक की कार्यप्रणाली जाननी हो, तो उसे बैंक में ले जाकर बैंक कर्मियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
स्थानीय शासन एवं स्कूल की मदद से बच्चों को सूचना संग्रहण, नियोजन, मूल्यांकन एवं प्रबंधन के मौके दिए जाएं, जिससे उनमें लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो सके। यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए और निरंतर उनके अधिकारों की रक्षा हो, ऐसी व्यवस्था भी शिक्षक को निरंतर करनी चाहिए। शिक्षक समुदाय के मौखिक इतिहास, लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक कलाएं इत्यादि और पारंपरिक ज्ञान, जैसे बीज रोपण व फसल कटाई, मानसून संबंधी ज्ञान, परंपरागत शिल्प से जुड़ी कलाओं का ज्ञान, इन सब का प्रसार बच्चों में कराएं एवं जहां आवश्यक हो स्कूल को इसके लिए प्रोत्साहित करें। विषय वस्तु को संशोधित कर उसमें स्थानीय स्तर के व्यवहारिक और उपयुक्त उदाहरण जोड़ें। ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की मदद करें। समुदाय अधिगम के क्रम में बच्चों द्वारा महसूस की जा रही मुश्किलों का समाधान करने में योगदान दें। शिक्षक व्यावसायिक प्रशिक्षण के मानक तय करने में भागीदार बने। गांव के बच्चों के शिक्षण हेतु अनुकूल परिवेश विकसित करने में शिक्षक अपनी भूमिका निभाएं। बच्चों को घरेलू भाषा के इस्तेमाल में मदद करते हुए उन्हें क्रम से स्कूली भाषा तक लाने में स्थानीय भाषा बोलने वाले लोगों की मदद शिक्षक ले सकते हैं। कई आदिवासी क्षेत्रों में ये दिक्कतें आती हैं, बच्चे बहुत ही टूटी फूटी भाषा लेकर स्कूल आते हैं, वो स्थानीय भाषा को लेके आते हैं और जो संवाद की भाषा होती है उनके पास बहुत टूटी फूटी होती है, शिक्षकों को उन्हें समझाने में दिक्कत होती है। ऐसे मौक़ों पे वो स्थानीय लोगों का सहयोग ले सकते हैं, उनसे बातचीत करके कैसे उनकी स्थानीय बोली को शिक्षक समझ पाए और शिक्षक की बोली को विद्यार्थी समझ पाए, इसके अवसर हम कैसे बढ़ा पाएँ, ये प्रयास स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शिक्षक कर सकते हैं। स्थानीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास में स्थानीय व्यक्तियों की मदद ली जा सकती है। इस पर मंथन किया जा सकता है कि पाठ्यचर्या में किस प्रकार से सीमित संशोधन किए जाएं ताकि स्कूल की प्रक्रिया में गांव को शामिल किया जा सके। विद्यार्थियों को विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में सहभागी होने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय के कार्यक्रमों में समुदाय को आमंत्रित करें और समुदाय की लोक कलाओं को शामिल करें, जैसे लोक नृत्य, लोक गीत, लोक नाटक। ये एक तरह तो रोचक भी होगा और दूसरी ओर समुदाय से जोड़ने का भी प्रयास होगा। बहुत सारे क्रियाकलापों को भी हम विद्यालयों में संचालित कर सकते हैं, जैसे बाह्य सामुदायिक पर्यावरण से जोड़ने हेतु कार्यक्रम है, आप विद्यार्थियों को बाहर ले जाएं और उनसे विभिन्न प्रकार की अनाजों, पत्तों, पौधों, कीटों के संग्रह करने की बात करें और समुदाय के लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप विद्यार्थियों को सहयोग करें ताकि वो इस तरह की चीज़ों का संग्रह कर पाएँ। जब संग्रह हो जाए तो समुदाय के लोगों के साथ बैठकर परिचर्चा भी करें कि हर एक की क्या खासियत है, क्या उपयोग है। अपनी कक्षा में स्थानीय विशेषज्ञों का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे गणित पढ़ाने के लिए आप कुछ व्यापारियों को जो कि गणनाएं करते हैं, या दर्जियों को ज्यामिति रचनाओं को पढ़ाने के लिए दर्जियों को बुला सकते हैं। तो इससे विभिन्न क्रियाकलापों, कार्यों से कैसे हम विषयों को जोड़ सकते हैं, ये बात हम सीख पाएंगे। समय सारणी को समझने के लिए बस किस समय निकलती है और किस समय पहुंचती है, कैसे समय सारणी बनाई जाती है, किसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय व्यतीत होता है, इन सारी चीज़ों के माध्यम से वो समय सारणी का निर्माण कैसे करना है, ये सीख सकते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय के बाहर ले जाकर वास्तविक जीवन का अनुभव करा सकते हैं। दूरियों का अनुमान करना और उन्हें मापना सिखा सकते हैं। यह दर्शाना कि घेरे पर हर बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होता है, ये भी आप सिखा सकते हैं। दिन के विभिन्न समयों में परछाइयों की लंबाई को रिकॉर्ड कराना, संकेतों और निर्देशों को पढ़ना, साक्षात्कार और सर्वेक्षण आयोजित करना, स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ मिलकर विभिन्न विषयों पर परिचर्चा करना, सौर पैनलों की खोज करना, समुदाय के लोगों के सहयोग से फसल वृद्धि और वर्षा की निगरानी करना, ये कई क्रियाकलाप हैं जो समुदाय के सहयोग से विद्यालय संचालित कर सकते हैं और विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन का अनुभव दे सकते हैं। तो
तो शिक्षार्थियों, आज हमने सीखा कि समुदाय एवं विद्यालय की अंतःक्रिया के क्या लाभ हैं, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे उन्नत बनाया जा सकता है। इस परिचर्चा की श्रृंखला में किसी नए विषय के साथ पुनः मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।